तो गाइज एक और भी शॉकिंग एंडिंग WWE का स्मैकडाउन का फाइनली हमें देखने को मिला है। एंड देन गाइज WWE के स्मैकडाउन में होता है कि बैक स्टेज हमें रैंडी ऑर्टन, केविन एवंस एंड कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। एंड कोडी रोड्स फिर से एक बार लल्लू की तरह गाइज केविन एवंस एंड रैंडी ऑर्टन के पास जाकर के कहते हैं कि मैं आज ब्लड लाइन को देख लूंगा, अगर कोई भी ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस होता है तुम्हारे मैच में। तो रैंडी ऑर्टन तो एग्री करते हैं लेकिन केविन एवंस डिसएग्री करते हैं। केविन एवंस कहते हैं नहीं मत आना, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन रैंडी ऑर्टन कहते हैं देख भाई, अगर तुझे लगेगा तो तू आ जाना, क्योंकि गाइज आज रैंडी ऑर्टन फेस करने वाले थे सोलो सिक्वेंस जेका फाटू को मेन इवेंट में स्मैकडाउन के। एंड गाइस ये मैच शुरू होता है, सोलो सिक्वेंस जेका फाटू की एंट्री होती है। एंड जेका फाटू एंड सोलो सिक्वा टामाटोंगा एंड टांगालुआ को लेकर के नहीं आए होते इस मैच में। एंड कोडी रोड्स एंड केविन ओवेंस भी आ जाते हैं। एंड गाइस केविन ओवेंस टैग देते हैं, पहले तो सोलो सिक्वा एंड केविन ओवेंस इस फाइट को लड़ते हैं, लेकिन फिर सोलो सिक्वा टैग देते हैं जेका फाटू को। एंड गाइस अगेन केविन ओवेंस टैग देते हैं दी वाइपर रैंडी ऑर्टन को। एंड गाइस दो लेजेंड किलर टाइप के सुपरस्टार रिंग में फाइट करते हैं। एंड डोमिनेट तो जेका फाटू ही करते हैं, क्योंकि जेका फाटू बहुत ही खतरनाक तरीके से रिंग के पास रैंडी ऑर्टन को मारते हैं, रिंग में भी मारते हैं। एंड गाइज एक मोमेंट आता है जब रैंडी ऑर्टन अपना सुप्लेक्स देते हैं तो सस्ता ट्राइबल चीफ सोलो सिक्वा को। एंड गाइज तभी टामाटोंगा एंड टांगालोवा का इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। एंड गाइज ऑब्वियस सी बात थी, अगर ये आ गए हैं तो कोडी रोड्स को आना ही था। एंड गाइज कोडी रोड्स भी पीछे से आते हैं एंड टामाटोंगा एंड टांगालोवा को साइड लगाते हैं, लेकिन एक सुपर स्प्लैश भी हमें देखने को मिलता है कोडी रोड्स को ऊपर जेका फाटू की तरफ से। जेका फाटू कोडी रोड्स के ऊपर जंप कर देते हैं। एंड गाइज कोडी रोड्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तभी कोडी रोड्स मारते हैं। लेकिन मोमेंट तब आता है एंड टर्निंग पॉइंट तब आता है जेका फाटू को कोडी रोड्स मारते हैं, लेकिन जेका फाटू जाकर रेफरी से टकरा जाते हैं। एंड केविन ओवेंस पिन करते हैं सोलो सिक्वा को, अगर रेफरी सही रहता तो केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन गाइज डबल सुपर किक लगाते हैं जेका फाटू, क्योंकि गाइज रेफरी तो वहाँ पे एकदम अनकॉन्शियस तरीके से था। एंड गाइज तभी रेफरी उठता है एंड सोलो सिक्वा पिन करते हैं केविन ओवेंस को 1-2 and 3। गाइज ब्लड लाइन 2.2 जीत जाती है। एंड उसके बाद से हमें देखने को मिलता है टेंशन केविन ओवेंस एंड कोडी रोड्स के बीच। केविन ओवेंस जाते हैं, लगते हैं धक्का मारने के कोडी रोड्स को, बट रैंडी ऑर्टन बीच बचाव करते हैं। लेकिन रैंडी ऑर्टन को भी केविन ओवेंस आज धक्का मारते हैं, बट यहाँ पर टेंशन जो था वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। केविन ओवेंस हक करते हैं कोडी रोड्स को। एंड गाइज ये तो कन्फर्म है कि कोडी रोड्स के ऊपर टर्न आने वाला है केविन ओवेंस का। एंड गाइज केविन ओवेंस एंड रैंडी ऑर्टन टर्न करेंगे कोडी रोड्स के ऊपर। एंड कोडी रोड्स आज फिर एक लल्लू सुपरस्टार की तरह दिखाए गए हैं WWE में। तो गाइज आई होप आपको ये वीडियो चलो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब भी कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आई डोंट नो गाइज कोडी रोड्स के साथ क्या कर रही है WWE, कोडी रोड्स एक बिलीवेबल चैंपियन अभी नहीं लग रहे हैं। एंड गाइज अगेन OTC इज नॉट हियर ऑन स्मैकडाउन, रोमन रेंस नहीं थे आज की स्मैकडाउन में। थोड़ा सा शॉक करने वाली बात थी, और गाइज शॉकिंग एंडिंग भी होती है स्मैकडाउन की इसी तरह से।